और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान संध्या शुक्ला ने नशा मुक्ति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। आम सभा रखी गई है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। 50 सीटों में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं और हम इसी विचारधारा को लेकर के उतरे हैं कि जो आज तक आज़ादी के 76 सालों बाद भी आज आम जनता जो जिन सुविधाओं के लिए तरस रही है वो उन तक पहुंच सके। राजनगाम में अपने कार्यों को लेकर आते हैं तो एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जिनके पास यदि 10 रुपए होगा तब जाकर के वह अपना निस्तार करता है। यहाँ का विधायक निधि की राशि, संसद निधि की राशि ना जाने कहाँ चला जाता है। हमारे हजारों पार्टी के कार्यकर्ताओं भाइयों बहनों ने मिलकर एक आवाज उठाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शंखनाद करने का प्रारंभ किया है। तेरा हट जाएगा, अनीति अन्याय धर्म करने वालों का डेरा हट जाएगा, दीमक की तरह जो देश को चाट रहे उनका बसेरा हट जाएगा और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूरज जिस दिन चमकेगा उस दिन भ्रष्टाचार का पूरा अंधेरा हट जाएगा। भाइयों बहनों,